और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है। दरअसल बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का यह कहना है कि मेरे प्रस्ताव को ठुकराया गया है और बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की, ये बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है कि बंगाल में वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगी। उनका यह भी कहना है कि जो मैंने प्रस्ताव दिया था कांग्रेस को सीट का, उसे ठुकरा दिया गया और अब यह फैसला किया गया है टीएमसी की तरफ से कि बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবারও অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স, আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলুটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলুটলি রং। और अब देखिए ममता के ऐलान पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी ने साथ देने का वादा किया था। कांग्रेस की तरफ से कहना है ममता ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का भी वादा किया था। ये कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया ममता बनर्जी के ऐलान के बाद, जिसमें ममता ने यह कहा है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। और अब कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया इस पर आई है। उनका कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी ने साथ देने का वादा किया था। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा। तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश को आप सुन रहे थे, जिनकी पहली प्रतिक्रिया अब सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में यह ऐलान किया गया है टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, कि लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। और अब कांग्रेस का यह कहना है कि ममता के बिना गठबंधन असंभव है। बीजेपी के खिलाफ लड़ने का वादा किया था ममता बनर्जी की तरफ से, ममता ने मिलकर लड़ने को कहा था, कांग्रेस का यह भी कहना है। और जो भी कोशिश की जाएगी इंडिया गठबंधन को साथ रखने की, वो कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। तो देखिए जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी, ममता बनर्जी का कहना है कि मैंने प्रस्ताव रखा, मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। उसके बाद ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि अब मैं जो लोकसभा चुनाव है उसे अकेले लड़ेगी टीएमसी। अब देखिए ममता की नाराजगी की वजह क्या मानी जा रही है, ये भी आपको बता दें, कांग्रेस की लेफ्ट से करीबी, ये बड़ी वजह मानी जा रही है। ममता के प्रस्ताव को ठुकराया गया, ममता बनर्जी ने जो सीट को लेकर प्रस्ताव रखा था कांग्रेस के सामने, उसे भी बड़ी वजह माना जा रहा है नाराजगी की। ममता के सुझाव नहीं मानना, जो ममता बनर्जी सुझाव देती रही है उसे नहीं मानना भी बड़ी वजह माना जा रहा है। ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती थी ममता बनर्जी, और इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस से ये नाराजगी ममता बनर्जी की बढ़ती चलती। अब एक और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बता दें, ममता बनर्जी के ऐलान पर शहनवाज हुसैन क्या बोले हैं, ये भी आपको बता दें, कांग्रेस को अब ज्यादा सीटें लड़ने को मिलेंगी, ये उनका कहना है। बंगाल में ममता उन्हें घास नहीं डाल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन साहब। सर, एक तरफ आपकी सरकार केंद्र में भाजपा सरकार, कर्पूरी ठाकुर जो पिछड़ों के बड़े नेता हैं उनको सम्मान दे रही, भारत रत्न घोषित कर रहे, दूसरी तरफ इंडिया इंडी गठबंधन जो आप लोग कहते हैं उसमें ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है और उन्होंने कहा कि हम बंगाल में कोई समझौता करने वाले नहीं। अब देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बिहार के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न देने का उनकी सरकार ने निर्णय किया है। ये बिहार में खुशी की लहर है।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार में जो लहर थी वो दुगुनी हो गई। ABP News आपको रखे आगे।